Assalamualaikum, welcome back to my channel. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम नगमा है और मैं कर रही हूँ 30 डे रमजान व्लॉग्स. तो आज है डे 7. वेल, वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब जब वीडियो डालूं तब तक सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. वेल, आज मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग. द रीज़न इज कल का ब्लॉग एडिट करने में बहुत टाइम चला गया. फिर जब मैं उठी उसके बाद मैं गई ATM पैसे निकलवाने के लिए. और आप लोगों को बता दूँ, मैं एक चैरिटी पर्पस यू नो कैंपेन मैंने स्टार्ट किया है जिसमें आप नीडी पीपल के लिए डोनेट कर सकते हैं. मैं कर रही हूँ 20% ऑफ ईच क्लाइंट्स, मतलब मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं, जो भी सर्विस वो ले रहे हैं, उनका टोटल अमाउंट में से 20% अमाउंट चैरिटी में जाएगा. यानी हम नीडी पीपल की हेल्प करेंगे. तो अगर आप भी इस कैंपेन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मैं मेरे इंस्टाग्राम के लिंक डाल रही हूँ, प्लस जीपे नंबर डाल रही हूँ, आप वहाँ पर डोनेट कर सकते हैं. एंड आप एक यू नो हैप्पीनेस ला सकते हैं, एक यू कैन ब्रिंग स्माइल एंड हैप्पीनेस इन समवन्स लाइफ. सो यू कैन श्योरली डोनेट. और जरूरी नहीं कि आपको बड़ा अमाउंट ही डोनेट करना, आप 10 रुपीज भी डोनेट कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू. तो वहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. ऑलरेडी बहुत सारे यू नो अमेजिंग पीपल ने यू नो डोनेट करना स्टार्ट कर दिया है. तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बिलीविंग इन मी दैट आपके पैसे यू नो अच्छे कामों में लगने वाले हैं. इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि इस चीज के लिए किसी पे भरोसा करना इट्स नॉट अ ईजी थिंग, राइट. अगर आप लोगों ने मुझ पे भरोसा करके मुझे यू नो डोनेट किया है और कि मैं कुछ अच्छे कामों में उन पैसों को लगाऊंगी, तो बेशक यू नो दैट अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी. सो या, एंड अनदर बिग थिंग इज वी हिट 10K सब्सक्राइबर ऑन माई सेकेंड चैनल. Well, I want to thank my Rabb, the one who support me, the one who guided me, the one who gives solution to every problem, the one who you know show me a path. He is the one. एंड उसके बाद हमारे नबी, पीस बी अपॉन हिम, उनको. एंड उसके बाद मेरे ख्वाजा जी, मतलब अजमेर शरीफ के बारे में बहुत सुना है, बेशक मैं आज तक गई नहीं हूँ, इंशाल्लाह मैं जाना चाहती हूँ. एंड मैं यू नो वो एक उम्मीद लगा रही हूँ कि इस साल मैं बेशक उनका यू नो बुलावा मुझे आए और मैं उनके उनके दर पर अपना सर टेक कर आऊँ. तो बेशक अल्लाह ताला ने अगर चाहा, मेरे ख्वाजा जी ने चाहा, तो बेशक मैं जाऊँगी. मैंने बहुत दीवाने देखे हैं यू नो ख्वाजा जी के. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि मैं उनमें बिलीव नहीं करती थी, ये नहीं करती थी, बट मुझे समझ नहीं आता था कि मतलब माशाल्लाह उनके इतने दीवाने हैं. तो अब देखिए, कोई किसी में मानता है बेशक कुछ चीज़ों को लेकर, ऐसा नहीं कि मैं मानती नहीं हूँ, बेशक मैं उन्हें मानती थी, बट मुझे उनका वो पावर नहीं पता था. तो बहुत कुछ मेरे साथ हुआ, तो यू नो मैं उनको बहुत ज़्यादा मानने लगी. तो मेरा एक मेरी एक इच्छा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ बेशक उनके दर पर जाऊँ. मेरी फैमिली अगर पूरी नहीं जा सकती तो एटलीस्ट मैं अपनी नानी के साथ जाऊँ उनके यहाँ पे, उनके दर पर जाके यू नो मैं मन्नतें मांग सकूँ, मैं उन्हें चादर चढ़ा सकूँ. बेशक अल्लाह कहते ना कि जब तक बुलावा नहीं आता तब तक आप जा नहीं सकते हो. तो बेशक अल्लाह ख्वाजा जी ने चाहा तो इस साल मेरा बुलावा आए एंड मैं जाऊँ वहाँ पर. एंड या, द स्टोरी बिहाइंड माई सैलॉन इज, आज मेरे को ना आप लोगों को वही बतानी है. तो सबसे पहले ना मैं आज उठी हूँ, लेट उठी हूँ. एंड उसके बाद मैं ATM गई, फिर ATM में हमने कुछ पैसे निकाले. मेरे भाई की मस्ती आप देख सकते हो, मैं वीडियो डालूंगी, देख लेना. Please do not remove your card till the transaction is completed, as it may cause damage to your card. Please enter your PIN. What the? क्या करेंगे ये पैसे का? रुक,
ये लड़का ना, अरे भैया यस थैंक यू सो मच। अच्छा ये मेरा भाई, ये मेरा भाई कहाँ जा रहा है अभी तू? वाह पैसा संभाल के लेके जाना, पता चला तेरे को कोई किडनैप कर लिया। ठीक है ठीक है, और इधर बिल्डिंग से ऊपर जाने तक कोई किडनैप करेगा देखो। अम्मू बोलेगी समाधान नहीं कर, क्या लाने का? क्या अबे समा बिल्डिंग समा में। हाँ तू एंड उसके बाद में एक मुझे पाया सिलाना था, एक भरका सिलाना था, तो मैं टेलर के पास गई, वहाँ पे मैंने डाल फिर मैं यहाँ पे आई। एंड यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा कि वी जस्ट हिट 10K सब्सक्राइबर। सो अपार्ट फ्रॉम माय रब, अपार्ट फ्रॉम माय यू नो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, अपार्ट फ्रॉम ख्वाजा जी, थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन हु बिलीव इन मी। पहली बात तो सेकेंड चैनल पे, यू नो फर्स्ट चैनल, ये चैनल को जैसे लेके स्ट्रगल देखा है ना, I don't want to please someone to you know subscribe my channel. तो मैंने बोला कि second channel बनाते हैं। My friend suggested me कि आपको ना second channel बनाना चाहिए if you are posting a short. So Rio, thank you so much for that. उसने बोला कि वो बनाओ क्योंकि आपको ना YouTube पे एक limit मिलती है, आपको एक period of time की limit मिलती है, उसमें आपको 1000 subscriber and 4000 hours complete करने होते हैं। Otherwise क्या होता है, वो limit जब निकलती है ना तो आपके watch time गिरने लगते हैं। तो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई ना, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट चैनल बनाते। ऑलरेडी मेरा दूसरा चैनल भी था बट उस पर यू नो वो नहीं अचीवमेंट हो रहा था, वो नहीं ग्रो कर रहा था। तो आई थॉट कि चलो इसको भी साइड में रखते हैं, इसको तो बंद ही कर देते हैं, यहाँ से सारा मेकअप ट्यूटोरियल हटाते हैं एंड ट्राई करते हैं हम ये वाले चैनल को। तो जब ये क्रिएट किया मैंने, ज़्यादा लोगों को मतलब प्लीज़ भी नहीं किया कि प्लीज़ सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट बिकॉज यू नो जिन लोगों को मेरी मेहनत दिखती है उनको बोलना नहीं पड़ता है कि सब्सक्राइब कर लो, वो अपने आप करते हैं। एंड मैंने जब स्टार्ट किया, एंड द बिग बिग थैंक्स टू माय खाला, बहुत रीज़न हो सकते हैं, वो रीज़न नहीं यहाँ पे बताऊंगी बट उन्हीं के वजह से एक मेरा शॉट है ना बहुत यू नो मेरी भाभी वाला शॉट बहुत व्यूज पे चला गया, द फर्स्ट द वेरी फर्स्ट शॉर्ट वीडियो विच गेन सो मच ऑफ व्यूज, लाइक 1 lakh views, 1 lakh views मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा थे। तो वो वाला गया, फिर धीरे धीरे दूसरे शॉर्ट्स यू नो जाने लगे, सब्सक्राइबर जब बढ़ने लगे आने लगे तो आई थॉट कि मे बी आई एम गेटिंग अ फेक सब्सक्राइबर और वॉट, क्योंकि होता है ना कि इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ही एल्गोरिदम होता है, जब आपका वीडियो कुछ पुश हो रहा है ज़्यादा ट्रेंड पे जा रहा है तो आपको ना फेक सब्सक्राइबर सॉरी फेक फॉलोवर्स आते हैं। तो मैंने भी सोचा कि वैसे ही होगा, तो फिर एक गया दूसरा गया, फिर है ना ऐसे करके जाने लगे। फिर जेनिफर वाला जो मेरी स्टूडेंट है बाई यू नो बाई अलाज ग्रेस, उसका तो अभी तक वायरल हो रहा, अभी तक ट्रेंड पे चल रहा है। आई नेवर न्यू बिकॉज यू नो आई डोंट प्रमोट ब्राइटनिंग एंड यू नो दैट काइंड ऑफ स्टफ, वाइट मेकअप। आप लोग अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो आपको बताओ कि दैट आई डोंट प्रमोट वाइट यू नो वाइट मेकअप एंड ऑल, आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ स्टफ। आप जो स्किन टोन में हो वो स्किन टोन का ही मेकअप अगर आपने किया है तो दैट वुड बी बेटर। तो जेनिफर वाले इसको मैंने यू नो एंड मेरा कैसे था कि एवरी टाइम मेरे भाभी के यू नो शॉर्ट से स्टार्ट हुआ कि मैं कैप्शन डालने लगी ताकि आप वीडियो के साथ साथ आप यू नो वो स्टोरी भी समझो कि हाउ आई गॉट दैट ऑर्डर, हाउ आई मैनेज टू यू नो डेवलप, हाउ आई डू दैट। सो मैंने वो किया, सो आई रियली थैंकफुल कि मेरे वो ना दिमाग में आया कि मैंने वो किया एंड धीरे धीरे बहुत बढ़ने लगा, 1000 हुआ 2000 हुआ ऐसे करके हो रहा था। तो वी सेट अ गोल, मी एंड माई फ्रेंड्स वेर लाइक कि तूने बोला था 1000 सब्सक्राइबर होगा तो तू पार्टी देगी, एंड आई वॉज लाइक कि अरे डूड लेट यू नो लेट माई चैनल गॉट मोनेटाइज फर्स्ट ना, मैं 1000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट कर लिया, एटलीस्ट 4000 आ तो कंप्लीट करने दो वॉच टाइम के,
एंड शॉर्ट्स मुझे नहीं पता था कि शॉर्ट्स के काउंट नहीं होते, तो लेट मी कम्प्लीट दैट. तो दे वर लाइक होन दो. तो आई वॉज लाइक लेट मी कम्प्लीट एटलीस्ट 10K. तो माई वन ऑफ माई फ्रेंड टेलिंग मी कि लालच बुरी बला है, पहले बोला था 1000 सब्सक्राइबर पे पार्टी देगी एंड अभी बोल रही कि यू नो 10,000 पे यू विल गोइंग टू गिव पार्टी एंड ऑल. तो आई वॉज लाइक एंड मेरा पार्टी जो होता है आई डोंट बिलीव इन पार्टिंग यू नो स्टफ लाइक दैट कि पैसे उड़ाओ इधर उधर. आई बिलीव इन डोनेटिंग समथिंग इफ आई गॉट यू नो really good things from my Allah subhanahu wa ta'ala and you know in a good way, in a good deeds. तो मेरा ऐसा है कि आप हमेशा ना अच्छे चीज़ों में invest करो, अच्छे लोगों की मदद करो, needy people's की मदद करो. तो मेरा एक ऐसा होता है कि शुक्र अदा करो. तो मैं party में believe नहीं करती, but हाँ for you know celebrating for happiness, for ठीक है थोड़ी बहुत खुशियों, ये मोमेंट्स जीने के लिए, कि हर बार मोमेंट्स नहीं आएंगे राइट. तो जीने के लिए हम कर लेते हैं, चलो पार्टी वार्टी एंड ऑल कर लेंगे. तो ऑफकोर्स मैं अभी तो रोज़ा चल रहा है, तो विल डू 10K सब्सक्राइबर वाला पार्टी सून एंड उसका भी ब्लॉग डाल दूंगी मैं. तो या एंड यू नो जब मैंने सलोन ओपन किया यू नो अक्टूबर 2021 में, तो आई वॉज थिंकिंग कि इफ यू नो आई एम ऑन अ राइट प्लेट, क्या मतलब जो प्लेट में मुझे रहना है, जो प्लेट में मुझे खाना चाहिए, इज़ दैट द प्लेट दैट आई एम थिंकिंग दैट आई हैव. तो मैं फ्रीलांस कर रही थी, तो आई थॉट कि एट टाइम आई वॉज फ्रीलांसिंग एंड आई हैव अ गुड कॉन्टैक्ट्स, मतलब मेरे अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स थे, अच्छा चल रहा था. बट समवेयर यू नो आई थॉट कि कहीं ना कहीं तुझे एक प्लेस यू नो रेंट करना चाहिए या तुझे लेना चाहिए एंड यू हैव टू डू दैट. तो मैरी के ऊपर का यू नो फ्लोर खाली था एंड आई वाज यू नो समवेयर आई हैव दैट बिलीव इन माय रब दैट कि हो जाएगा. तो सबसे बड़ी जो चीज़ मेरे चीज़ में थी, मेरे यू नो जर्नी में थी, वो था मेरे अल्लाह पे भरोसा. एंड वो 1000% था कि देख कैसे होगा, कैसे जाएगा, कैसे रिज़्क मिलेगा, इसकी फिक्र मत कर, अल्लाह का नाम ले और शुरू कर. और हमने वही किया, हमने यू नो ये रेंट किया, पूरा रेनोवेट किया, मतलब देखने लायक नहीं था ये ऊपर का घर, पूरा रेनोवेट किया, पूरा एक एक चीज़ इन्वेस्ट किया, एक एक चीज़ अपने हाथों से किया. देन फिर अल्लाह के नाम से शुरू किया हमने, यू नो फातिहा दिलवाई वहाँ से शुरू किया. एंड आई वॉज लाइक कि इट्स ओके, यू नो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अपने मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद करो, आप हमेशा अपनी खुशियों में भी याद करो, हर एक सेकेंड आप शुक्र अदा करो अगर आपकी कोई चीज़ पूरी हो रही है तो. एंड आई डू दैट, आई डिड इवन यू नो अभी भी मैं करती हूँ, अभी भी मुझे 10K सब्सक्राइबर हिट हुआ है तो आई यू नो शुक्राना की नमाज़ अदा करूँगी मैं पहले. लेकिन मैं आप लोगों से यू नो पहले मैं सोचूँ कि बोल दूँ एंड उसके बाद मैं फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी मेरी जहर की नमाज़ कज़ा हो गई है, मैंने पढ़ी नहीं है, तो अभी असर बाकी है, तो मैं सोच रही हूँ कि असर पढ़ के फिर शुक्राना की नमाज़ अदा करनी है भाई हमें. तो यू नो अल्लाह ताला को उनका शुक्र अदा करने वाले लोग बहुत पसंद है. तो सबसे पहले ना अल्लाह ताला में ना यू नो आपको बिलीव होना चाहिए, ऐसा 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए. क्या अल्लाह करेंगे, ऑफकोर्स ही इज़ योर क्रिएटर, ही इज़ योर रब, ही विल डू दैट, यू आस्क एंड ही विल नॉट डू दैट, ऐसे होगा ही नहीं. तो मेरा जब सलोन स्टार्ट हुआ तो मैंने अपने रब पे भरोसा रखा कि सी हो जाएगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सब अपने अल्लाह पे छोड़ दो, हो जाएगा. फिर धीरे धीरे यू नो कॉन्टैक्ट बढ़े, ब्राइड्स आने लगी, यू नो क्लाइंट्स आने लगे, क्लाइंट्स को मेरा वर्क पसंद आने लगा, मेरी सर्विस पसंद आने लगी. तो यू नो व्हेन यू गिव योर 100% इन योर वर्क, तो क्लाइंट भी आपको दोबारा बुलाएगा, दोबारा करेगा. द होल आइडिया ऑफ यू नो स्टार्टिंग दिस अकेडमी इज़ टू स्टार्ट अ क्लास एंड टू मेक अ वीडियोज़ वेयर आई मेक अ वीडियो, क्योंकि घर पे पॉसिबल नहीं होता था, घर पे इतनी चिल्लम चाली, तो मैं यूट्यूब वीडियोज़, मेकअप ट्यूटोरियल्स ही कुछ नहीं बना सकती थी. और ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं है कि यू नो मैं अपने हिसाब से उससे DIY करके कर लूँ या फिर कुछ हो, या फिर नहीं हो पाता था. तो मैंने सोचा कि एक पर्टिकुलर प्लेस लेते हैं जहाँ पर शांति होगी, सब कुछ होगा एंड आई कैन मेक दैट वीडियो. तो मैंने सोचा कि विल डू दैट. सो बस वहीं से शुरुआत हुई और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छे से चल रहा है एंड बहुत कुछ आगे भी सोच रखा है. तो बस आप लोगों की दुआ चाहिए, आप मुझे दुआओं में याद रखें. बेशक आप लोगों का साथ और मेरे अल्लाह ताला का साथ रहेगा, तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ती जाऊँगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर 10K सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच.
आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग, मतलब मैं कैसे बयान करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा. आई नो 4000 आवर्स कम्प्लीट करना बाकी है एंड आई बिलीव कि आई विल डू दैट इन सम वेज, तो मैं कर ही लूँगी. बढ़िया, थैंक यू सो मच गाइज, जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे, जो भी मुझे स्टार्ट से सपोर्ट कर रहे, थैंक यू सो मच. मैं आजकल बहुत रोने लग गई हूँ ना आप लोगों के सामने, बट थैंक यू सो मच. या चलो फिर आगे का ब्लॉग करते हैं. मैंने आज हम नाम नहीं सीखेंगे क्योंकि मैंने 10 नेम्स दूसरे ब्लॉग के लिए प्लान करके रखे हैं, तो मैंने 10 नेम्स एक साथ आपको दूसरे ब्लॉग में सिखाने हैं. आज हम सिर्फ यू नो अपना हैप्पीनेस शेयर करेंगे एंड मुझे भी बताओ एंड यू नो स्टार्ट टू बिलीव. क्या बहुत से लोग हैं कि हाँ अल्लाह है, अल्लाह कर लेंगे. नहीं, आपको बिलीव 1000% बिलीव होना चाहिए, 1000000% बिलीव होना चाहिए, एंड दैट व्हाट आई डिड थ्रू माई जर्नी. सो या मैं अगर बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा मैं इतना बात करती हूँ, तो ठीक है चलिए. पहले सबसे पहले नमाज पढ़ती हूँ, मिलते हैं बाद में. चलो मैंने नमाज पढ़ लिया, शुक्राना की नमाज भी पढ़ ली और यस आज का व्लॉग यू नो बस इतना ही. मैं ज़्यादा कुछ अपने व्लॉग्स में बताती नहीं हूँ, आई एम अ वर्स्ट व्लॉगर राइट, डेली व्लॉगर, आई एम अ वर्स्ट डेली व्लॉगर, इवन आई एम अ वर्स्ट व्लॉगर. या बट या मतलब सीख रही हूँ, इट्स चीज़ में नहीं हूँ, सीख रही हूँ, बहुत कुछ नहीं आता है तो रहते रहते सीख जाऊँगी. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मिलते हैं कल के ब्लॉग में. तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़.